दो सुपर हाई अल्टीट्यूड फायरिंग रेंजेस को भारतीय सेना बलों के लिए अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में तैयार कर लिया गया है। बता दें, इस फायरिंग रेंज का इस्तेमाल सेना बलों के द्वारा अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन से जुड़े प्रैक्टिस को लेकर किया जाएगा। नमस्ते, मैं हूं धीरज कुमार और स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। ये फायरिंग रेंज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 50 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर बसा हुआ है, जो काफी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इन दोनों फायरिंग रेंज का नाम मंडाला और कामराला फायरिंग रेंज दिया गया है, जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। आपको बता दें, मंडाला फायरिंग रेंज पर भारत के द्वारा बुलंद भारत नामक सर्विलियंस और फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज को संपन्न किया जा चुका है। सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये दो फायरिंग रेंज भारतीय सेना बलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। आपको बता दें, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के हाई अल्टीट्यूड एरियाज में इन सैन्य दलों के द्वारा फायर पावर की टेस्टिंग काफी आसानी से की जा सकती है। हालांकि बीते दिनों संपन्न हुए बुलंद भारत एक्सरसाइज के दरमियान सेना बलों ने अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को संपन्न किए थे, जिसमें सर्विलियंस से लेकर फायर पावर तक शामिल था। इस युद्ध अभ्यास में इन्फेंट्री और आर्टिलरी रडार के साथ साथ विभिन्न प्रकार के वेपन सिस्टम का भी उपयोग हुआ था, जिसमें स्पेशल फोर्सेस के अलावा एविएशन और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए थे। मंडाला फायरिंग रेंज में आर्मी ने 155 mm के बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया था, जबकि 105 mm के फील्ड गन्स और 120 mm के मोटर्स जैसे हैवी वेपन सिस्टम को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया था। बहरहाल, ये दो फायरिंग रेंज भारतीय सेना बलों को नई उड़ान देने के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। अब देखना ये है कि इसका इस्तेमाल भारतीय सेना बल किस हद तक कर सकेंगे, जिससे पड़ोसी दुश्मन देश के नापाक इरादों को ध्वस्त किया जा सकेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।